जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर आपने अभी तक जाके देखा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको जानते नहीं, बहुत से लोग इसको पहचानते नहीं कि इस जगह की खासियत क्या है। इस जगह की ये खासियत है कि यहाँ पे एक गोल्ड आइटम आपको पक्की मिलेगी। आपको अगर याद हो कि ट्रेलर में, जी हाँ ट्रेलर में, लोबा दीदी अपना कंगना कैसे फेंक के कूद के यहाँ पे पहुँचती हैं और उनकी फाइट होती है हमारे प्यारे दोस्त रेवेनेंट से। तो रेवेनेंट से जो उनकी फ़ाइट होती है, वो लोकेशन अभी तक हम मैप में नहीं ढूंढ पाए थे, और कोई भी हमारा दोस्त साथी मित्र हमें नहीं बता पाया था कि वहाँ पे एक्चुअली पहुँचा कैसे जाए। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली, जी हाँ आप लोगों के लिए खास कर हमने आज ये ढूंढ के निकाला है। इसको यहाँ पे ऐसे अप्रोच किया जाए, आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा स्कल टाउन का पूरा वो रिब केज जिसके ऊपर अक्सर लोग चढ़ जाया करते थे और मस्त कैंपिंग किया करते थे। और हम दोनों अब यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हमने पहुँच के पाया है एक चार्ज टावर। हम इधर उधर अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आगाँ गए और क्या मिलेगा। और ये देखिए, जैसा मैंने आपको वादा किया था, एक गोल्ड आइटम पक्की ये मिली हमें गोल्ड आइटम, और हम उठा के चल दिए। जिप लाइन अभी मेरे में टैग की थी वहाँ पे, तो अभी हम जाके देखते हैं कि जिप लाइन। चलो, इनको ज़रा चार्जिंग का मन चढ़ गया, लोबा दीदी को चार्जिंग हो गई है। अब चल के देखें आगे, चढ़ के ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं और ऊपर पहुँचाने का साधन दिखाई दिया। और इन्होंने सोचा कि चलो दीवार पे चढ़ के देखा जाए, क्योंकि रेवेनेंट की स्पेशल कैपेसिटी है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ जाता है दीवार पे और कैरेक्टर्स के मामले में। तो मैंने भी ट्राई करने की सोची, लेकिन उस ट्राई में हम कामयाब नहीं रहे। थोड़े से असफलता हमें प्राप्त होते हुए हम लेकर और रास्ता भी ढूंढना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जोन का ऐलान भी टाइम टू टाइम मिलते जा रहा है कि जोन ख़त्म हो रहा है। और अब हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फटनी शुरू हो गई है कि जोन ख़त्म और हम कहीं जोन में ही ना मर जाएं। हमने लोबा दीदी को बोला कि ज़रा अपना कंगना ट्राई करो नीचे फेंक के देखने की, नीचे फेंक के देखो ज़रा कि कहीं रास्ता कुछ मिल जाए हमें। उसको भी कंगना फेंकने में भी दिक्कत हुई, और वो क्या बोलते हैं, सीधा खाई में जाके गिरा वहाँ स्विमिंग पूल के पास। अभी भी हम रास्ता फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। फिर से एक बार और ट्राई देना का सोचा, चलो चढ़ के देखते हैं ऊपर। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भी असफलता ही हाथ लगी हमें। लेकिन अभी ये चमकती हुई लाल लाइट दिखाई दी और हमने इसको दबा दिया, और देखा ऊपर एक ढकना खुल गया है। लेकिन ओ हाँ, ये देखो मस्त रस्सी निकल के आई और अब हम बाहर की ओर निकल के आ गए। बेहद खुश, एक दूसरे को राहत की सांस का एहसास दिलाते हुए लॉल XD दिखते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अभी वीडियो ये ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, इसमें आगे आप देख पाएंगे कि आपस में हम दोनों क्या खेल में ताबड़तोड़ धूमधाम मचाते हैं। इसीलिए आगे कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए, हम आपको वीडियो के उस पार मिलेंगे। तब तक के लिए दिल थाम के बैठ जाइए। It's mine. Don't touch Left it. Ammo here. Thank you, Loba. Your voice is great. Light ammo here. Massive shotgun here. Heavy ammo here. Longbow DMR here.
extended heavy mag here. Level 2. Standard stock here. Level 3. Spitfire here. Thank you, Lova. Shut up. Your voice is grating. There's someone over there. Enemy there. Shooting. Taking fire. Tossing thermite. There's another. I'm down. Watch out, enemy there. और अब वीडियो के इस अंत में हम आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ये वीडियो देखने के लिए, और सबसे बड़ा शाउट आउट मेरे प्यारे दोस्तों के लिए जो ये वीडियो को के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करके, सबसे पहला शाउट आउट क्लॉ को, उसके बाद ड्रैगन बॉय को, और सबसे आखिरी में हम समर गौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन जो आके नीचे कमेंट करते हैं, जो आके नीचे स्पेशल डे सारा प्यार देते हैं, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है यार, बहुत। इसलिए फिर से थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे पुराने हो तो अपना प्यार बना के रखना। हम आपसे मिलेंगे अगली स्ट्रीम पे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड लॉट्स ऑफ लव।